Hello students, this is Shyam Kumar, your educator, and welcome to all of you at your online learning platform. Today we are going to learn sticky keys. It is a part of IT subject and it's a unit web applications part. This is your second video and I hope you will learn very easily. So let's start today's topic, sticky keys. Sticky keys is an accessibility feature to help computer users with physical disabilities. मतलब sticky keys क्या होता है, एक accessibility feature होता है जो कि मदद करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, उन कंप्यूटर यूजर्स की हेल्प करता है जो फिजिकली डिसेबिलिटीज होती है उनमें, ठीक है. बट इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय अदर, लेकिन इनको क्या होता है, दूसरों के द्वारा भी यूज किया जा सकता है एज ए मीन टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन. जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करने के लिए उनको हम यूज भी कर सकते हैं. स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज द मॉडिफाइड कीज. स्टिकी कीज क्या होती हैं, ये यूज़र को अलाउ करती हैं कि जो मॉडिफायर की होती हैं उनको ये प्रेस भी करें और उनको रिलीज़ कर दें. जैसे कि आपकी शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, ऑल्ट की है और आपकी विंडो की है, ये सभी क्या होती है, मॉडिफायर की होती है. मॉडिफायर की का मतलब होता है कि ये जो कीज होती हैं ये सिंगल वर्क नहीं करती हैं, ठीक है. ये सिंगल वर्क नहीं करती हैं, ये कंपोजिशन में वर्क करती हैं, किसी ना किसी की के साथ नहीं वर्क करेंगे. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव अनटिल एनी अदर की इज प्रेस्ड. जब तक कि कोई दूसरा बटन प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये एक्टिव रहती है, ठीक है. तो ये आपकी स्टिकी कीज है. अब इसको हम कैसे चलाते हैं, देखिए इसको हम इस ऑप्शन को कहाँ से देखेंगे. ये है आपका लॉन्चिंग स्टिकी कीज, यानी स्टिकी की को हम कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे. टू इनेबल स्टिकी कीज सेलेक्ट यूज स्टिकी कीज, यानी कि इस ऑप्शन को चलाने के लिए, इस की को चलाने के लिए आपको यूज स्टिकी कीज पर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है. लेकिन भाई इसको सेलेक्ट हम करेंगे कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट कंप्यूटर हम कहाँ से करेंगे. तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है. अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखें तब उनको समझ में आएगा. लेकिन फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है. तो उनका ही एक पार्ट है स्टिकी कीज. तो यहाँ पर क्या करना है, और मैंने ये बात भी बताई थी कि ये सारे ऑप्शन जो चल रहे हैं ये विंडोज़ एक्सपी वाले हैं, और मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ इस सिस्टम में विंडोज़ 10 है, तो इसका मैं अलग से आपको बताऊँगा. लेकिन अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ एक्सपी पड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं. करना क्या है, यूज स्टिकी की को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है, फिर उसको ओके करना है. इतना करने के बाद में आपको स्टिकी की दिखाई दे जाएगी, ये तो वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये टास्क बार में ये बटन बन के आता है. ये टास्क बार में सारे ऑप्शन है, टाइम दे रखा है, ठीक है ना, ये स्पीकर है, ये फायरवॉल प्रोटेक्शन के दोनों ऑप्शन दे रखे हैं. यहाँ पर हमारा ये स्टिकी की वाला ऑप्शन अलग से खुल के आता है. जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके से एक साइन दिखाई देगा टास्क बार पर. द स्टिकी कीज आइकन अपीयर इन द सिस्टम ट्रे. ये सिस्टम ट्रे है, यानी टास्क बार में ये आपकी राइट साइड में सबसे बॉटम में, कंप्यूटर के राइट साइड में सबसे नीचे की साइड में जो फंक्शन होते हैं उसको हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं. इसी सिस्टम ट्रे में ये आपका स्टिकी की बटन दिखाई दे रहा है, एक आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको लॉन्च करेंगे. ये अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है. इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.
और जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी है, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।